दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं माल्टा के वीजा और वर्क परमिट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं माल्टा के सिंगल वर्क परमिट एप्लीकेशंस के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं कि एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्या माल्टा में सिंगल परमिट एप्लीकेशंस एक्सेप्ट भी हो रही हैं या नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहता हूं। अब देखिए, माल्टा बहुत ही पॉपुलर कंट्री है। मुझे रोज बहुत सारे फोन कॉल्स या मैसेजेस आते हैं माल्टा के बारे में। कई बार मैं ये भी कहता हूं कि माल्टा में जितने जॉब्स नहीं है उससे ज्यादा इंडिया में एजेंट्स हैं जो माल्टा के जॉब्स को बेच रहे हैं। तो आपको माल्टा को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। यहाँ पे मैं आपको दो अपडेट्स देने वाला हूँ। पहला अपडेट जो है वो है माल्टा हाई कमीशन न्यू दिल्ली की वेबसाइट से। अब माल्टा हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली में है, उसकी वेबसाइट कहती है कि मार्च 2020 से वीजा प्रोसेसिंग सस्पेंडेड है, और बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट में है माल्टा के, उसी केस में वीजा प्रोसेस हो रहे हैं। आपको इस बात को ध्यान से सुनना है। माल्टा का जो वीजा है प्रोसेस वो सस्पेंडेड है मार्च 2020 से। तो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में जहाँ पे कोई वीजा देना माल्टा के नेशनल इंटरेस्ट में है, तभी माल्टा के वीजा प्रोसेस हो रहे हैं। दूसरी चीज, हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी माल्टा की, जो सिंगल परमिट एप्लीकेशंस को प्रोसेस करती है। अब माल्टा जो है वहां पे आइडेंटिटी माल्टा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी वेबसाइट के अनुसार इस समय सिंगल परमिट एप्लीकेशंस प्रोसेस नहीं हो रही हैं। सिंगल परमिट एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग को रोक दिया गया है। तो अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफर है तो भी आपका एम्प्लॉयर आपकी सिंगल परमिट एप्लीकेशन को फाइल नहीं कर सकता है। हाँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अगर आप हाईली स्किल्ड हैं और आपकी एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव के अंतर्गत आते हैं, तो सिर्फ हाईली स्किल्ड लोगों की ही जो एप्लीकेशन है वर्क परमिट के लिए, वो अप्रूव हो पाएगी आइडेंटिटी माल्टा से। अदरवाइज सिंगल परमिट एप्लीकेशंस अभी प्रोसेस नहीं हो रही हैं, क्योंकि मैं आइडेंटिटी माल्टा की वेबसाइट पे गया, उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शन दिया है। तो प्लीज़ इस झांसे में ना आए कि आपकी जो सिंगल परमिट एप्लीकेशन है उसकी प्रोसेसिंग के पैसे दे दीजिए हमें, क्योंकि इस समय कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है सिंगल परमिट एप्लीकेशन की। हाँ, अगर आप हाईली स्किल्ड हैं या फिर आप हेल्थ प्रोफेशनल हैं या मेडिकल प्रोफेशनल हैं, तभी आपकी सिंगल परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस हो सकती है, जो आती है कि एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव के अंतर्गत या हाईली स्किल्ड में। इसके अलावा कोई भी वर्क परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो रही हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं आपके साथ लिंक्स भी शेयर कर रहा हूँ, माल्टीज हाई कमीशन जो है दिल्ली में, इसके अलावा आइडेंटिटी माल्टा का ये जो मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन जिस वेबसाइट से मैंने लिया, वो भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये दोनों ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, तो ये रिलायबल हैं। इसके अलावा मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपाइन, साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज माल्टा की रेड लिस्ट में हैं। तो यहाँ पे आप तभी जा सकते हैं जब आप माल्टी सिटीजन हों या फिर आपके पास माल्टा का रेजिडेंस परमिट ऑलरेडी हो। इसके अलावा बहुत ही एक्सेप्शनल केस में आप माल्टा में एंटर कर सकते हैं। अगर आप माल्टी सिटीजन हैं या आपके पास माल्टा का रेजिडेंस परमिट ऑलरेडी है, तो भी आपको बेसिकली 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और माल्टा में अराइवल से 72 घंटे पहले का आपके पास आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट होना पड़ेगा। नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट के बावजूद आपको 14 दिन का क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, और क्वारंटाइन में रहने के बावजूद भी आपका पहला टेस्ट होगा 5वें और 7वें दिन के बीच में, दूसरा टेस्ट होगा 11वें और 12वें दिन के बीच में। तभी आप, अगर ये दोनों टेस्ट नेगेटिव आते हैं, तभी आप क्वारंटाइन से बाहर निकल पाएंगे। तो ये है माल्टा से लेटेस्ट अपडेट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको ये कोशिश करता हूँ कि 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ताकि आपका टाइम और पैसा बच सके। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल नहीं हैं, तो आप माल्टा को लेके थोड़ा सा रुक जाइए, चीज़ों के बेहतर होने का वेट करिए, इनफैक्ट या फिर और कंट्रीज़ को कंसीडर करिए जहाँ पे वर्क परमिट का प्रोसेस चल रहा है। माल्टा में इस समय वर्क परमिट का प्रोसेस
नहीं चल रहा है, ये मैं एक बार जाते जाते आपको बता देता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।